आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। प्रसंस्करणकर्ताओं के एक संगठन ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा खरीफ सत्र के दौरान देश में सोयाबीन का रकबा 7% बढ़कर 128 लाख हेक्टेयर के आसपास रह सकता है, बशर्ते दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश का वितरण सामान्य रहे। इंदौर स्थित सोपा के कार्यकारी निदेशक के अनुसार अगर मॉनसून की बारिश का वितरण सामान्य रहता है तो इस बार देश में सोयाबीन के रकबे में करीब 7% का इजाफा होगा। उन्होंने सोपा के अनुमान के हवाले से बताया कि वर्ष 2021 के पिछले खरीफ सत्र के दौरान देश में करीब 120 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोई गई थी। किसानों को पिछले सत्र की सोयाबीन फसल के अच्छे दाम मिले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि खासकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के किसान खरीफ की अन्य फसलों के मुकाबले सोयाबीन की खेती को तरजीह देंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए सोयाबीन की MSP पिछले साल के 3,950 रुपये से बढ़ाकर 4,300 रुपये क्विंटल कर दी है। अकेले मध्य प्रदेश में देश का आधे से ज्यादा सोयाबीन पैदा होती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अधिकारियों का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 15 से 20 जून के बीच राज्य में दस्तक देगा और इस साल सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश होगी। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।